प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम पश्चाताप या मन फिराने के बारे में हम आज मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहले मती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय उसका दो वचन, मती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका दो वचन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियनो, योना जो बपतिस्मा देने वाला वो सबको कह रहा है ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आया है। यही चीज यीशु मसीह ने अपने प्रचार में किया और वो लिखा है मती 4:17 में इस तरह से लिखा हुआ है। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज निकट आया, यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। प्रियनो, आज लोग जो है ना पश्चाताप करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पर ऊपर के ऊपर प्रभु का वचन कहता है होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं पर उनका मन मुझसे काफ़ी दूर है। आज जरूरी है आपको और मुझे कि मैं सही तरीके से पश्चाताप करूं, सही तरीके से अपने मन को फिराऊं। तो प्रियजनों, अगर हम मन को नहीं फिराते हैं तो तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। आज ज़रूरी है कि अगर हमने अपने मन को नहीं फिराया, अपना मन संसार और दुष्टता से अगर नहीं हटाया, तो हम स्वाभाविक है कि हम बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है प्रेरितों के काम 17 उसके 30 वचन में इस तरीके से लिखा है। इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकारी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रियजनों, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, योना बपतिस्मा देने वाला उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है हर एक। पहला परमेश्वर ठीक ऐसा उतना वो नहीं था, है ना, परमेश्वर बर्दाश्त करता था, ध्यान नहीं देता था, पर अब ऐसा इसमें लिखा है, पर अब आज्ञा दे रहा है मन फिराओ। कुछ लोग ऐसा देखा गया है, वो सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूँ तो ठीक है। कुछ लोगों का सोचना है मैं दान दूंगा तो ठीक है। प्रियजनों, ऐसा नहीं है। आपने अगर दान दिया लेकिन परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या लाभ मिलने वाला है, आपको क्या लाभ मिलने वाला है? तो आज पश्चाताप करना, प्रभु का वचन कहता है मन फिराने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, जब निनवे नाम के जगह पर योना को भेजा गया, वो जाने के लिए उसने आनाकानी की, पर वो वहाँ पर गया, वहाँ जाने के बाद लोगों ने दिल से पश्चाताप किया। वहाँ पर निनवे नाम के जगह पर जो संकट आने वाला था, जो भयानक कुछ होने वाला था, परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। प्रियजनों, आज हर जगह पे दिखाई दे रहा है, कोई कैंसर है, किसी को दिमाग की बीमारी है, किसी को हड्डियों की बीमारी है, किसी को पेट के अंदर की बीमारी है, अलग 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 प्रकार की बीमारियों में, अलग अलग प्रकार के संकट समस्याओं में फंसे हुए हैं। कुछ लोग अपने घर जाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों के घर के अंदर बड़ी बेचैनी चल रही है, कुछ लोगों के घर में कर्ज से डूबा हुआ है, कर्जदार आते हैं, साहूकार आ रहे हैं, बैंक वाले आकर तंग कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ? प्रियजनों, हम संसारिक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, हम संसारिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि हमको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तो आपको याद रखना है, मुझे परमेश्वर का वचन वचनों के अनुसार चलना है। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 16 उसके 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य नया करार के अंदर सबसे आखिरी जो किताब है, प्रकाशित वाक्य 16 उसका 11 वचन में इस तरह से लिखा है। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्गीय परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है ये लोग है ना, ये अंतिम समय की बात है, ये लोग जो है ये बड़े बड़े संकट में थे, ठीक है, इनके इनके फोड़े थे, बड़े बड़े फोड़े थे, इतनी तकलीफ थी,
लेकिन इतने पीड़ाओं के बाद उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने मन को नहीं फिराया। प्रियजनों, आज कई लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पे है, भयानक वेदना में, भयानक कैंसर है या कुछ जहर उनके शरीर के अंदर फैल चुका हुआ है, भयानक पीड़ा में है, ये लोग परमेश्वर को परमेश्वर से पश्चाताप करने के बजाय वो परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं। कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर क्या कर रहा है, वो बैठ के क्या कर रहा है वहाँ पर स्वर्ग में, मेरी तकलीफ नहीं समझ में आ रही है। प्रियजनों, छोटा सा काम करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु के पास आकर कहना, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर, इसके आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बचा प्रभु जी, मुझ पर दया कर, या मेरे घर में जो प्रिय लोग हैं उनमें से किसी के भी बारे में आपको मुझे पश्चाताप करना है। प्रियजनों, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपके घर के लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको पहला पश्चाताप करना है, पर मैंने क्या गलती की है, कुछ तो होगा जिसका दंड वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आज प्रियजनों, कुछ लोग संसार में एटीट्यूड, घमंड और गर्व में भरे हुए हैं, उनके दिमाग में परमेश्वर नाम का कोई वस्तु फिट नहीं होती है, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ ऐसे अमीर लोग हैं, श्रीमंत अमीर लोग हैं, उनका भी परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, उनका पैसा, उनका दौलत ही उनका सब कुछ है, लेकिन एक दिन आ जाता है जब अच्छे अच्छे आकर झुक जाते हैं। तो प्रियजनों, क्या आपने पश्चाताप किया है? अगर आपने पश्चाताप किया है, आने वाले बड़े बड़े संकट से आप बचने वाले हैं। अपने मन को फिराने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसी में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 5 वचन में हम चलते हैं और उसमें देखें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर का वचन कहता है, याद कर तू कहाँ से गिरा। प्रियजनों, आप परमेश्वर के पीछे चलते समय ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने आपको परमेश्वर से दूर लेकर गया? कोई स्त्री, कोई पुरुष, पैसा, अपना नाम, इज्जत, या फिर कोई और चीज़, कोई लालच, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे, छोड़ दीजिए। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट कर आ और अपने मन को फिरा। तो आज बहुत, प्रभु का वचन कहता है, बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसी अवस्था में इस संसार से चले गए, स्वर्ग हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, मती 6:14-15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं पूरे मन से पश्चाताप करते हुए। और प्रभु का वचन ये कहता है, वो पश्चाताप का फल दिखना चाहिए। यस, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, वो पश्चाताप हमने किया है उसका फल दिखना बहुत ज़रूरी है। मती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिरा के योग्य फल लेकर आओ, मतलब वो फल दिखना चाहिए कि आपने सचमुच मन फिराया क्या नहीं। जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है या जो व्यक्ति शराब पीता है या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करता है ना, अगर उसने ये देखा जाता है कि वो वापस कर रहा है क्या नहीं, नहीं कर रहा है मतलब उसका फल दिखाई देता है कि इसने सारे नशे, सब प्रकार के नशे को छोड़ दिया है। उसी रीति से आपने मन फिराया है तो उसका फल दिखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन कहता है, उसका फल दिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने मन फिराया है। प्रियजनों, आपको पता है, जब हम मन फिराते हैं प्रियजनों, तो बड़े बड़े आने वाले संकट से हम बच जाएंगे। मैंने कुछ लोगों से मिला अभी कुछ दिन पहले, किसी की दोनों किडनियां फेल है, कोई कैंसर के अंदर फंसे हुए हैं, किसी का और भयानक स्थिति हो गई है, किसी का पैर काटने के लिए बोला है, किसी की आंखें ख़राब हो गई है, किसी का और क्या 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 हुआ है। प्रियजनों, ये आपके साथ ना हो, इस बात का मुझे बहुत वो हो रहा है कि आपके साथ में ऐसा ना हो। इसके लिए बहुत आसान छोटा सा काम आपको करना है, मन फिरा के प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे एक मौका दे, मुझे और मेरे घराने को बचा। फिर देखना प्रियजनों, परमेश्वर कैसा कार्य करता है। ओके, लेकिन याद रखना, अगर आप नहीं माने इस बात को और आखिर में आप मानने जाएंगे, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, एसाव ने रो रो कर पश्चाताप किया,
लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई, उसकी बात सुनी नहीं गई। तो प्रियजनों, आपका भी पश्चाताप करना या मन का फिराना, अगर वो समय निकल गया है फिर किसी काम का नहीं है, फिर किसी काम का नहीं है। इसके लिए चेतावनी है आपको, है ना, बहुत ज़रूरी है, अपने मन को फिराइए। क्या पता कब आपको और मुझे इस संसार छोड़ के जाना पड़े। प्रियजनों, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको, आप लोगों को दीर्घायुष्य मिले, है ना, आपके सारे मनोरथ पूरा हो। लेकिन क्या आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा है? अगर आपने मन नहीं फिराया, परमेश्वर से रिश्ता नहीं जुड़ा है, तो आइए, इतने बड़े स्वर्ग को, इतने बड़े परमेश्वर के राज्य को क्यों ठोकर मार रहे हैं? आइए, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यह मौका है, आइए प्रभु के पास, वो आपको और मुझे बचाना चाहता है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय मैं ये सारे लोग जो मुझे देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन्हें आपके हाथ में देता हूँ। इन सभी का ताबा ले प्रभु जी, ये पश्चाताप करें, मन को फिराएं और प्रभु आपके पास आएं, ऐसा होने देना प्रभु जी। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सभी के जीवन में आपका कार्य हो, ये आशीषित हो जाए प्रभु जी, सचमुच का प्रभु वो फल दिखाई दे, ऐसा होने देना यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन, आमेन। जय मसीह।